प्रिय स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, वीरवाला काली भाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काव्य सरिता, जो GGTU बांसवाड़ा और MLC उदयपुर दोनों के कोर्स में चल रही है, उसमें भक्त कवि सूरदास के संकलित पदों की हम यहाँ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति को चरम पर पहुँचाने वाले कवियों में ये मूर्धन्य स्थान रखते हैं। इनकी जो कृष्ण भक्ति है वो वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे और अष्टछाप के कवियों में भी इनकी गिनती की जाती है। तो सूरदास के पुस्तक में दिए हुए कुछ पदों में से कुछ संकलित पद ही पाठ्यक्रम में समाविष्ट किए गए हैं। हम उन पदों को देखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि सूरदास पहले कृष्ण वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले दीनता और दास सेवक के रूप में विनय के पद गाया करते थे। उसके बाद अर्थात वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद उन्होंने माधुर्य सखा भाव के पद गाने शुरू किए। इन्होंने सुर सागर लिखा। सुर सागर में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ पद निकालकर भ्रमर गीत के रूप में उन्हें संकलित किया है। अलग से इन्होंने कोई भ्रमर गीत नहीं लिखा था। जो पहला पद है वह भक्त कवि की दीनता को, उनकी विनती को प्रकट कर रहा है। मेरो मन अनंत कहाँ सचु पावे, यहाँ सुख पावे लिखा है, कहीं कहीं सचु पावे भी मिलता है। मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख को प्राप्त करता है। सचु होता तो भी अर्थ हमें सुख ही लेना पड़ता। मेरे मन को अन्यत्र कहाँ आनंद प्राप्त होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फ्री जहाज पे आ गए। जहाज समुद्र में चलते हैं तो उस जहाज पर कोई पक्षी अगर रह गया हो, बैठा रह गया हो और समुद्र में जहाज बहुत अंदर तक चला गया हो, ऐसे समय में जहाज से पक्षी जब उड़ता है तो चारों तरफ चक्कर काट लेता है, उसे कहीं जमीन नहीं मिलती, इसलिए मजबूरन उसे वापस आकर उस जहाज पर ही बैठना पड़ता है। तो मेरा मन भी अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में रहे हुए जहाज का पक्षी उड़ता है और वापस उस जहाज पर लौट आता है और कहीं जा नहीं पाता। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन श्री कृष्ण की महात्म की, उनकी महत्ता की प्रशंसा करके करने को छोड़कर मैं दूसरे देवता को क्यों पूजूं या दूसरे देवता का क्यों ध्यान लगाऊं, उनकी आराधना क्यों करूं, ध्यावे उनकी आराधना करना।
अन्य देवता की आराधना क्यों करूं? प्राचीन समय में भी, भक्तों में भी और ब्राह्मण ग्रंथों में भी शैव वैष्णव इन दोनों के बीच में बहुत खींचतान हुआ करती थी और अपने अपने देव को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। इसीलिए तुलसीदास ने अपने काव्य में समन्वय का प्रयास किया था। एक शाक्त भी शाखा है ब्राह्मणों की, ब्राह्मण धर्म की, जिसमें देवी की पूजा की जाती है। तो बात अपने यहाँ कर रहे थे कि सूरदास कह रहे हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण का की महत्ता का ज्ञान, उनका गुणगान छोड़कर मैं अन्य देवता की आराधना क्यों करूं? परम गंग को छोड़ पिया सो दुर्मति कूप खनावे। अब दृष्टांत दे रहे हैं कि उसके पास साक्षात गंगा है, परम श्रेष्ठ होता है यहाँ करें, जिसके पास साक्षात गंगा जिसके सामने बह रही हो कृष्ण भक्ति रूपी, क्योंकि इनका उद्देश्य तो कृष्ण की भक्ति को ही प्रकट करना है। कृष्ण की भक्ति रूपी साक्षात गंगा जिसके पास बह रही हो, ऐसा प्यासा दुर्मति कम बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि वाला अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है। अरे जब गंगा बह रही तो कुआं खुदवाने की क्या आवश्यकता है? वह तो दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि वाला ही है, यानी इसकी दुर्बुद्धि का अभाव है। जी मधुकर अंबुज रस्या क्यों, जिस मन मधुकर ने, भक्त ने कृष्ण की भक्ति रूपी कमल रस का पान कर लिया हो, क्यों करील फल भावे। ऐसे भक्त को करील का फल, करील एक फल है जंगली फल, उसे कैसे अच्छा लगेगा जो खट्टा है, उसे फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु तजी छेरी कौन दहा दुहावे। सूरदास कह रहे हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास कह रहे हैं कि श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को छोड़कर, कामधेनु स्वर्ग की गाय, स्वर्ग में भी सभी चीज जितने भी चीजें सबके विशिष्ट नाम है, हाथी घोड़ा गाय पुष्प वृक्ष, तो उनके भी नाम दे रखे हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। तो सूरदास कह रहे हैं प्रभु रूपी, प्रभु कृष्ण रूपी कामधेनु को, प्रभु कृष्ण रूपी कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। छेरी शब्द हमारे यहाँ कम प्रचलित है, लेकिन जबकि जीजीटीयू और एमएलएसयू के विद्यार्थी हो तो छाड़ी शब्द तो आपने सुना होगा। बस इस छाड़ी को ही उत्तर भारत में छेरी कहते हैं और छाड़ी का अर्थ होता है बकरी। तो बकरी को कौन धोएगा? जब साक्षात गाय खड़ी हो कृष्ण भक्ति रूपी, तो अन्य देवता रूपी बकरियों को दूध कौन निकाले? यहाँ कवि यह कहना चाह रहा है। अब अगले पद में कवि सगुण और निर्गुण पद के बीच में अंतर कर रहा है, सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच में अंतर कर रहा है। तो यहाँ कह रहा है अविगत की अविगत गति के चुका हितना कहति ना आवे, अविगत अविनाशी ऐसे निराकार ईश्वर के स्वभाव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहते नहीं बनता। क्या कहें उसके बारे में जो स्वयं निराकार हो, जो गूंगे गूंगो मीठे फल की रस, जो गूंगे को मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इस प्रकार गूंगे के को, गूंगा जब मीठे फल को खाता है और उसका जो रस है उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, बस ठीक। निराकार ईश्वर भी ऐसा ही है,
जिसे मिलता है वो अंदर ही अंदर व्यक्त कर सकता है, किसी के अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है, किसी के सामने शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो सुख जावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर, सबसे श्रेष्ठ स्वाद और जो निरंतर अपार संतुष्टि प्रदान करता है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह निराकार ईश्वर मन और वाणी से के द्वारा भी अगम्य है, मतलब उसे पाना दुष्कर है, कठिन है, अगोचर वह दिखाई नहीं देता है, सो जाने जो पावे, जिसे मिल जाता है वही जान पाता है, ईश्वर की प्राप्ति से हो जाती है वही उसे जान पाता है। रूप रेख गुण जाति युक्ति बिनु निरालम मन कत धावे, चक्रत लिखा है कत धावे होना चाहिए, धावे मतलब ध्यान करना, ध्यावे शब्द था, लिखने में लेखन में थोड़ा दोष है, जिसके कोई ना रूप हो, ना कोई रूपरेखा हो, ना गुण हो, ना जाति हो, ना कुछ न उसे पाने की कोई युक्ति हो, इसके बिना उस निरालम निराकार ईश्वर को मन कैसे उसका ध्यान धरे, मन कैसे उसका ध्यान धरे, सब विधि अगम विचारी, इसलिए वैसे निराकार ईश्वर के बारे में हर तरह से सोच समझ कर कि निराकार ईश्वर कैसा है, क्या है, कैसे उसे पाया जाता है, कैसे उसे तो सूरदास कह रहे हैं इस तरह से हर तरह से निराकार ईश्वर के बारे में सोच समझ कर ताते सूर सगुन लीला पद गावे, इसी कारण सूर तातो लिखा है, ताते होना चाहिए, सगुण पद गावे, लीला भी नहीं है, सगुण पद गावे, इसीलिए सूरदास सगुण ईश्वर के सगुण रूप स्वरूप का की लीला का गान कर रहा है, उनकी लीला का गान कर रहा है।